अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नेक रास्ता चैनल की जानिब से आप सभी को रमज़ानुल करीम की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तरावी के ताल्लुक से। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा किसी भाई के अगर किसी मजबूरी में एक आध दिन की अगर तरावी कज़ा हो जाती है तो वो अगले दिन से मस्जिद में ही जाना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी बाई चांस किसी मजबूरी में हमारी एक दिन की तरावी कज़ा हो जाती है तो हमें अगले दिन से तरावी पढ़ने दोबारा जाना चाहिए। ऐसा करना कोई गलत नहीं है। मैंने इस बारे में हजरत से मालूमात किया, उसी के बाद में वीडियो बनाई है। दोस्तों, आप अगले दिन से ही दोबारा तरावी पढ़ने जा सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल सही है, सुन्नती तरीका है, अगर मजबूरी में आपकी तरावी छुट्टी है तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे नेक रास्ता चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ नेक रास्ता चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।